सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए दबाइए बेल आइकन। जानकारी वही जो है आपके लिए सही। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में जो कि है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वीवो के प्राइस ड्रॉप के बारे में। तो आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली बात क्या है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चौहान और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। दोस्तों, वीवो की प्राइस ड्रॉप हो चुकी है, वीवो V5 की, और ओप्पो भी अपनी प्राइस घटाने जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मेरे पिछला वीडियो ये आप देखिए, इस चैनल के माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहता हूँ और ओप्पो वीवो के जो माए बाप है बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ हम भारतीयों के साथ ऐसा ना करें। अगर आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर बेचना भी है तो इसकी रेंज 15 के अंदर रखिए, ताकि हम लोग इस चीज़ को, इस जो टेक्नोलॉजी है पुरानी होती जा रही है, उसको भी हम चलो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन कम से कम इसकी कीमत कम कर दीजिए। जैसा कि मैंने इसमें कहा था कि ये प्राइस ड्रॉप करके अपना फ़ोन आप लोगों को दे सकते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं, लेकिन मेरी बात कई लोगों ने नहीं मानी। कई व्यूवर्स का अलग राय थी, वो बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो इतने अच्छे फीचर देते हैं, इतना अच्छा कैमरा देते हैं, इतना अच्छे चीज़ें देते हैं, तो प्राइस ड्रॉप हो ही नहीं सकती। तो देखिए दोस्तों, अब प्राइस ड्रॉप हुई कि नहीं, और मैं आपको एक स्पेशल स्पेसिफिक फ़ोन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस फ़ोन को भी अपने करीबी रिश्तेदार के पास देखा था। तो ये फ़ोन कौन सा है? ये फ़ोन है वीवो V5। जी हाँ दोस्तों, वीवो V5 जब ये ख़रीदा गया था तो करीब 18,000 के आसपास हुआ था, लगभग 18,000 के ऊपर ही गया था। तो लगभग इसकी कीमत 18 से 19,000 थी, लेकिन आज इसकी प्राइस देखें, क्योंकि मेरा जो मैंने अपना वीडियो बनाया था ये कुछ ही महीने पुराना है, तो कुछ ही महीनों में इसकी प्राइस ड्रॉप होके लगभग 14,000 के आसपास आ गई है। तो दोस्तों, कहाँ 19,000, कहाँ 14,000, 5,000 का ड्रॉप सीधे सीधे आया। मैं तो फिर भी 2-3,000 का बोल रहा था, तो 2-3,000 का ड्रॉप दे सकते थे और आप लोगों को फ़ायदा कर सकते थे उस समय। और इनकी बिक्री इतनी बम्पर होती कि ये वीवो V5 ही निकालते रहते सिर्फ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि ये अपना जो इनकी स्पेसिफिकेशन है, इनकी जो सारी चीज़ें हैं, इनमें से ये कट करके कस्टमर को फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है। मेरे इतने लोग अपोज हो गए, इतने खिलाफ हो गए, और इतने लोगों ने मुझे भला बुरा कहा, तो मैं आप उन सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि अब आपका क्या राय है। जब ये 5,000 की कटौती अब दे सकते हैं, तो उस समय 2 या 3,000 की कटौती क्यों नहीं दे सकते हैं? आप बताइए। तो ये सब कंपनी की चाल रहती है, जिसे जो साधारण इंसान रहता है, मैं साधारण ही बोलूंगा, अगर सामने वाले को टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है और उसको ये सारा एनालिसिस करना नहीं आता है, तो मैं उसे सामान्य आदमी ही कहूंगा कि भाई जो नॉर्मली अपनी ज़िंदगी बिता रहा है वो इस फील्ड में नहीं है और वो ये चीज़ नहीं कर रहा है, तो मैं सामान्य आदमी कहूंगा। तो उन लोगों को जो सामान्य आदमी है, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि भाई आखिर प्राइस ड्रॉप और ये स्पेसिफिकेशन, उन सब का क्या तालमेल है। तो मैंने उस समय कहा भी था कि ये सब हो सकता है, पॉसिबल है, और कई लोग जो हैं, जो अपने आप को टेक्नोलॉजी के बड़े ज्ञाता और वो समझ रहे थे, और कई लोगों ने मुझे कहा आप टेक्निकल गुरुजी का चैनल देखो, आप शर्मा जी का चैनल देखो, तो भाई आप उनके वीडियो देखो ना, टेक्निकल गुरुजी बकवास फ़ोन किसको बोलते हैं? वीवो को, ओप्पो को। शर्मा जी बोलते हैं क्या फ़ोन खरीद लिया, किसको बोलते हैं? ओप्पो को, वीवो को। चलिए एक और को बताता हूँ, गीकी रंजीत सर भी बहुत जाने माने नाम है, वो भी यही बोलते हैं, आप उनका चैनल भी देख लो। और मैंने जो कहा था, मैं सिर्फ अपनी बात पर ही अड़ा हूँ अभी भी, कि ये प्राइस ड्रॉप पहले भी दे सकते थे, लेकिन आज उन्होंने दिया है, बड़ी खुशी की बात है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, किसी को एकदम खिलाफ मत जाइए, पहले बात को समझिए। अगर सामने वाला आपको कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स देकर अगर बात कर रहा है, तो उसको समझिए। अगर बेसिर पर कोई बात कर रहा है कि नहीं वो तो ऐसा कर सकते वैसा कर सकते हैं, तो बात समझ में आती है कि आपको उसका खिलाफ जाएं, उसको बोले नहीं यार आप क्या बात कर रहे हो। लेकिन मैंने आपको सारी बात बताई कि एडवर्टाइज़र, और चूंकि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बड़े नाम है, और इनके जो इतने सारे होर्डिंग लगे हुए हैं, आप अपने शहर में घूमें, मैं तो अपने शहर में घूमता हूँ तो मुझे नीला और हरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता बहुत ज़्यादा। तो आप अपने शहर में भी देखिए, और अभी भी मैं कहता हूँ कि ये प्राइस ड्रॉप अभी भी अपने जो नए नए फ़ोन आ रहे हैं इनके, और जो ओप्पो और वीवो, ये दोनों एक ही कंपनी है, चूंकि इनकी पेरेंट एक ही कंपनी है, तो ये दोनों जो प्राइस अपनी ड्रॉप अभी भी करके इनके जो फ़ोन आ रहे हैं इनको अभी भी दे सकते हैं। लेकिन अभी भी इनके फ़ोन की प्राइस बड़ी हाई रहती है, 20,000, 22,000, 25,000 से निकालते हैं सीधे ये। तो
मेरा आप सभी ओप्पो वीवो फैन से यही कहना है कि आप अभी भी समझ जाएं, किसी की अंधी भक्ति ना करें। अगर आपको कोई चीज़ समझा रहा है तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, और मैं आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि कस्टमर को फ़ायदा हो, भारतीयों को फ़ायदा हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे जो व्यूज़ था मैंने उसे पक्का करके बता दिया कि मैं सही था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे हर नए वीडियो जो मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको बताता हूँ वो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक रेड बटन आएगा उसे हिट कर दीजिए, यहाँ एक बेल आइकन आएगी उसे भी आप बजा दीजिए, तो आपको मेरे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगा। तो दोस्तों, मेरे इसी तरह से आप नए वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।